कैमरे में देखकर बोल दें भाई। जरूर खाएं, एक बार खाएं, 10 बार खाएं मेरे छोले काठियावाड़ी। अच्छा रेट भी बता दें फिर अगर जा 50 का, 60 का, 70 का, 100 का। अस्सलामुअलैकुम, द टाइम्स ऑफ कराची से मैं हूँ खदर आदम और यकीनन मोंटाज देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं काठियाड़ी छोलों की, जो कि कराची की एक ख़ास पहचान है। अगर आप कराची आए हैं और काठियाड़ी छोले आपने नहीं खाए हैं तो यकीनन बहुत कुछ मिस कर दिया, और कराची वाले तो इन छोलों की अहमियत जानते ही हैं। चलते फिरते हल्की फुल्की भूख या कुछ मुख्तलिफ खाने का इरादा रखते हों तो यकीनन काठियाड़ी छोले एक ऐसी डिश होती है जिसको लोग बहुत पसंद से खाते हैं। तो हम भी इस वक्त वाटर पम्प कराची पे मौजूद हैं और यहाँ के ये काठियाड़ी छोले यकीनन अपनी मिसाल आप हैं और काफ़ी शोहरत के हामिल हैं। तो आज हमने कहा कि आपको ज़रा इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस ठेले के और इस काठियाड़ी छोले के ओनर हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ, क्या नाम है, फिर आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मेरा मोहम्मद शफीक है। अच्छा हाँ। शफीक भाई, कितने सालों से आप जो है ये काठियाड़ी छोले लगा रहे हैं और लोगों को छोले खिला रहे हैं? मैं 31 साल से यहाँ लगा रहा हूँ वाटर पम्प पर। अच्छा छोले। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो काठियाड़ी छोले हैं जी, ये आगे तो बाद में बात करेंगे, मुझे ये बताएं ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मतलब इनको ज़्यादातर पकाया जाता है, इनका लेस बनाया जाता है, कहने का मतलब है इनमें तरह तरह के मसाले हैं, हम मसाले भून के डालते हैं, कहने का मतलब है एक मसाले जिनमें 4-5 आइटम दल के भूनते हैं, फिर ये पिसाई होते हैं, इनकी चटनी बनाई जाती है, कहने का मतलब है मसाले। अच्छा मुझे फर्दन थोड़ा चटनियों पे रुकते हैं, ये कौन कौन सी चटनियाँ हैं आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हरी चटनी है, इसके अंदर जीरा है, धनिया है, समझिए पुदीना है, फिर सफ़ेद जीरा है वो पिसा हुआ डला हुआ है, साबुत धनिया है, हरा धनिया भी है, ये सिरका है। अच्छा हम सिरका इस्तेमाल करते हैं, खटाई नहीं इस्तेमाल करते। पक्की बात है? हाँ, सिरका। अच्छा, बहुत से लोग खटाई भी यूज़ करते हैं? नहीं नहीं, खटाई यूज़ नहीं, नहीं करते दूसरे लोग। हाँ वो भले खटाई इस्तेमाल करते हो, कहने का मतलब है मैंने कभी कहीं खाए नहीं इतने। अच्छा, कहने का मतलब है अपने ही छोले खाते हैं हम, सिरके का इस्तेमाल रखते हैं ज़्यादा शुरू से। और ये जो मसाला जाते हैं थोड़ा इनके, ये क्या है? ये काली मिर्चें हैं कुटी हुई। अच्छा, ये कटर मिर्च है, ये चाट मसाला है, ये नमक है। तो ये भी आप खुद तैयार करते हैं बाहर से? नहीं, ये चाट मसाला वगैरह खुद तैयार करवाते हैं, कहने का मतलब है हम चक्की पे देके इसमें आइटम। सबसे अहम रोल जो होता है वो इस पापड़ी का होता है? पापड़ी का रोल होता है, साफ तेल की है बिल्कुल, कहने का मतलब है कोई इसमें वो नहीं है कि ख़राब तेल इस्तेमाल किया जाए, एक नंबर पापड़ी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप जो है वो बार बार बोल रहे हैं कहने का मतलब है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कहने का मतलब ये है कि क्या आप मेहमान हैं? नहीं, मैं मेहमान। आप मेहमान नहीं है? नहीं नहीं यार, तो ये तो मेहमानों की सौगात है। मेहमानों की सौगात है लेकिन बना हम रहे हैं, क्या करें, नाम उनका है, डिश उनकी है, बना हम लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ इंशाल्लाह मेहमान भी खाता है ना वो बोलता है हमारे तुम्हारे जैसे छोले हमारे मेहमान भी नहीं बना सकते। अच्छा। हाँ, मेरे पास बहुत आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान खाने के लिए, हुसैनाबाद से भी आते हैं, काफ़ी जगह से आते हैं खाने के लिए। ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि ये आप कब से लगा रहे हैं और इतने साल में आपने जो है अपने जायके को मेंटेन रखा हुआ है, बढ़ाया है, क्या किया, थोड़ा सा बताएं। इतने सालों से लगाने का जायके को मेंटेनेंस रखना कहने का मतलब है कि जब से लगा रहे हैं अपने हाथ से ही बना रहे हैं, कहने का मतलब है किसी और के हाथ में नहीं दिया, ना कारीगर से बनवाया ना कारीगर से बिकवाया कभी। अच्छा। हाँ, खुद खड़े होते हैं? खुद खड़े होते हैं, खुद बेचते हैं, चार भाई हैं, चारों भाई इसी में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं और वापसी कब होती है? तकरीबन हम आते हैं 9 बजे 9:30 बजे तक आ जाते हैं, रात को 9 बजे वापसी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो और इससे पहले का भी कोई प्रोसेस होता होगा? आप पहले तकरीबन 8 बजे भी ख़त्म हो जाता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ तैयारी का, सुबह अगर 9 बजे आते हैं तो उससे पहले तैयारी का अमल कब? तैयारी का सुबह 5 बजे लगते हैं, जब जाके ये तकरीबन 9:30 बजे।
सुबह 5 बजे तैयारी शुरू करते हैं इनकी। इनको खाने का असल मज़ा किस तरह, ज़्यादा मसाले में, हल्के मसाले में, या इसके पानी का मज़ा है, थोड़ा सा बताएं खाने वालों को, ताकि काठियाड़ी छोले जो है वो मज़े लेके खाएं लोग। ये जो खाने का मज़ा है इसका, बिल्कुल दरमियाना मसाला हो, तेज़ नहीं हो, कहने का मतलब है। अच्छा, जो तेज़ खाने वाले होते हैं वो तेज़ ही खाएंगे। देखिए भाई, जो है ना मसाले डालने हैं और जितना लाइट पानी आ रहा है मेरे, और जितना लाइट मसाला खाओगे ये उतना टेस्ट देगा। अच्छा हाँ, और इसकी ये क्वालिटी है। पापड़ी, अब पापड़ी भले आप ज़्यादा खाओ इसमें, अच्छा। पापड़ी इसमें ज़्यादा मज़ा करती है, अच्छा। कहने का मतलब है, और लोग ज़्यादा ही खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जो है वो, हमने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ पे जाएं काठियाड़ी छोले, लोगों ने कहा भाई वाटर पम्प चले जाओ। इसकी क्या वजह है कि बहुत सारी जगहों पे बिक रहे हैं, मगर आपने अपना जो है ना एक नाम बना लिया इस ठेले पे खड़े होकर। अब देखो ना, जैसे बहुत जगहों पे नियारी बिकती है, अब लोग बोलते हैं जावेद नियारी, कहने का मतलब है एक टेस्ट होता है ना, तो आदमी बोलता है कि उस जगह पे जाओ, मैंने खाया था वहाँ, VIP चीज़ मिलेगी आपको। सही, कहने का मतलब ये होता है टेस्ट, इंसान को जो है ना टेस्ट खींच के लाता है, एक जायका है, एक वैरायटी है, कहने का मतलब है हर कोई नहीं बना सकता ऐसे छोले। अच्छा, जैसे साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कहा एक जायका, एक वैरायटी है, तो इस वैरायटी को आप लोगों ने किस तरह मेंटेन किया है, किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बगैर तेल के करते हैं, थोड़ा देखने वालों को बताएं कि तरीकाकार क्या होता है इसके बनाने का। तेल का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसकी पकाई ज़्यादा होती है, कहने का मतलब है जितना ज़्यादा पकाओगे उतना अच्छा बनेगा, कहने का मतलब है। अच्छा, इसकी पकाई होती है, इसको लेस लाना पड़ता है, कहने का मतलब है, समझ गए। चनों का पानी होता है, जितना पकेगा उतना अच्छा बनेगा चना, कहने का मतलब है। जैसे मुंह में दांत भी नहीं है, अगर चना रखो तो भूल जाए। अच्छा, तो लोग कैसा खाना पसंद करते हैं कि मुझे थोड़ा सा जो आपके कस्टमर हैं, अच्छे कस्टमर बाहर के ज़्यादा हैं या टोटल ज़्यादा बाहर के कस्टमर हैं हमारे? अच्छा, ऑफिस वर्कर के ज़्यादा हैं, समझ गए, ऑफिस वर्कर के ज़्यादा हैं हमारे कस्टमर, जो बाहर के हैं मार्केट के इतने हैं नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, तो यानी अगर मैं आपके स्टाइल में बोलूं कि कहने का मतलब है, हाँ। तो आप देखने वालों को इनवाइट करेंगे, कहने का मतलब है कि फिर आपके छोले खाएं वो? हाँ जरूर खाएं, कैमरे में देखकर बोल दें भाई, जरूर खाएं, एक बार खाएं, 10 बार खाएं मेरे छोले काठियावाड़ी। अच्छा, रेट भी बता दें फिर अगर जा 50 का 60 का 70 का 100 का, यानी मज़ेदार भी है। हाँ, और 50 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा, तो भाई भाई कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि आप भी आएँ और ये छोले खाएँ, और वाकई में हमने भी इनके काठियाड़ी छोले एक बार नहीं काफ़ी बार ट्राई किए हैं, और मैं भी ये कह सकता हूँ कि कराची में एक बेहतरीन काठियाड़ी छोलों में से एक है, और यकीनन इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहिए, और इसी तरह हम आपको आगाह करते रहेंगे मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ सौगात के साथ।